वेलकम बैक टू मनी गुरु, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, ले रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मोहाली से मनोज बिष्ट जुड़ गए हैं, जो कि 50 लाख का टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं। मनोज, स्वागत है आपका मनी गुरु में। कैसे हैं आप बताइए, आपकी रिक्वायरमेंट है एक टर्म प्लान की, क्या आपने इसका चुनाव कर लिया है कि अभी भी आप सोच रहे हैं? एक्चुअली मैडम, मैं टर्म प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा फैमिली प्रोडक्ट चल रहा है रैली गियर से 5 लाख का ऑलरेडी। तो मैं टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता था एक। मेरे टर्म इंश्योरेंस जो है वो मुझे 50 लाख का चाहिए। मैं प्योर टर्म प्लान लेना चाहता हूँ और मैं स्मोकिंग भी करता हूँ। मैंने उसमें, वैसे मैं 10-15 दिन में फ्रेंड सर्कल में करता हूँ, बट मैंने उसमें प्रॉपर मेंशन कर रखा है। मैं टाटा AIG के बारे में सोच रहा था, तो उसमें स्मोकिंग अल्कोहल दोनों का। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या कोई 50 लाख का ऐसा बेस्ट, मतलब जिसमें चल के दिन फैमिली को प्रॉब्लम ना आए, इस तरह का कोई इंश्योरेंस मुझे बताइए। ऑलराइट दीपक, इनके एज को देखते हुए, प्लस इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मैं एक्टिव स्मोकर हूँ, ड्रिंक भी करता हूँ, क्या टर्म प्लान इन्हें मिलेगा, और मिलेगा अगर तो किन कंडीशंस में इन्हें मिलेगा? तो डेफिनेटली इनको टर्म प्लान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनको टर्म प्लान्स कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती। इनफैक्ट सारे कंपनीज इनको टर्म प्लान ऑफर करेंगे। बस इतना ही है कि थोड़ा प्रीमियम वो बढ़ा देते हैं, कि द मोमेंट अगर स्मोकर है तो इंश्योरेंस कंपनीज जनरली थोड़े रिस्क कैटेगरी को बढ़ा देता है, और इसीलिए प्रीमियम्स को भी बढ़ा देते हैं। मगर ऑप्शंस ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस कंपनी से इनको मिल सकता है। अगर एक्चुअली हमने दिखाया है कि 30 लाख्स तक के प्लान था, मगर 50 लाख का ले रहे हैं तो काफी इंश्योरेंस कंपनीज है जो इनको कवर देंगे, और लगभग 5,000 से 7,000 के बीच में इनको ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स का कवर मिल सकता है। मे बी 5,000 से 8,000 के बीच में 50 लाख का कवर इनको मिल सकता है। एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना, अगर सवाल इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म पे कर रही है कि आपको स्मोकर है तो डिक्लेयर करें, और अगर अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो अगर उसके सवाल हैं तो उसको डिक्लेयर करें, क्योंकि प्रॉब्लम तभी होता है जब क्लेम आए, और अगर क्लेम के टाइम पर अगर पता चले कि आपने गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया है तो क्लेम शायद रिजेक्ट हो सकता है। तो क्लियरली डिक्लेयर करें कि वो स्मोक और ड्रिंक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी उसके हिसाब से प्रीमियम थोड़ा बढ़ाकर आपको कवर दे देगी। और मनोज का सवाल इंश्योरेंस फॉर डिसेबिलिटी के बारे में भी ये जानना चाह रहे थे, जिसको वो 40 साल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मनोज, आप जुड़े हुए हैं हमारे लाइन पे? जी मैडम, मैं सर से थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि मुझे बेस्ट कंपनी बता दीजिए, क्योंकि काफी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जिनका सेटल क्लेम रेशियो अच्छा नहीं है। तो मैं फिलहाल ऑनलाइन टाटा AIA के बारे में सोच रहा हूँ, और अगर उससे बेटर है या टाटा AIA ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझसे 9,700 अप्रोक्सीमेट उन्होंने मेरे को बताया है। अगर जी मुझे बेस्ट बता दीजिए। तो ये अपने लिए कुछ ऑप्शंस इन्होंने रखे हुए हैं दीपक यहाँ पर, तो आपको लगता है कि इनके लिए सही ऑप्शंस हैं या आप कुछ और भी बताएंगे इन्हें? तो इन्होंने अगर टाटा AIA सेलेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कंपनी है, और क्लेम्स कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपका इंफॉर्मेशन सही है, डिक्लेयर किया हुआ, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो क्लेम्स रेशियो एक अच्छा इंडिकेटर है, मगर जो भी अगर सही डिक्लेरेशन है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट नहीं करती है। खासकर टर्म इंश्योरेंस प्लान में अगर पूछा गया है स्मोकर है और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपने कहा यस और फिर भी उन्होंने प्लान अगर दिया है, तो कोई रीजन नहीं है रिजेक्ट करने का। तो मैंने जो ऑप्शंस दिखाए हैं, प्लस अगर ये टाटा AIA से खुश हैं तो वो भी ले सकते हैं, कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी अच्छे ब्रांड्स है, अगर 50 लाख चाहते हैं तो HDFC है, मैक्स लाइफ है, टाटा AIA है, ICICI प्रूडेंशियल है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं।